नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार, आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और रंगों के इस त्योहार में अपने आप को पढ़ाई किताबों के रंग में रंगते हुए अपनी परीक्षा की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे, मानव पोषण की बात करेंगे कि हमारे शरीर को किस पोषक पदार्थ की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है और हमारे शरीर को क्या चाहिए और हम लोग क्या इस्तेमाल करते, क्या हमारी बॉडी डिमांड करती है और हम लोग क्या खा रहे हैं। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर आपके शरीर को चाहिए प्रोटीन तो आप खचाखच दे रहे हैं उसको, वसा फैट कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? आखिर पोषण क्यों जरूरी है? हमारे भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिनका आहार संतुलित है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका आहार संतुलित नहीं है, हम इसके बारे में भी आप सभी से पूरी बातचीत करेंगे। आखिर हमारे शरीर में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का संचय हुआ है, कितने हमारे शरीर के अंदर जल है, तमाम बातचीत होगी। और हम अगर बैठकर खाना खाते हैं तब हमको कितनी ऊर्जा चाहिए होती है और अगर हम मध्यम वर्गीय काम कर रहे हैं तब हम कितना कैलोरी इस्तेमाल करते हैं, यदि अगर हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आखिर कितनी रोटी कितनी चपाती हमको खानी चाहिए, आज पूरी बातचीत करूंगा आप सभी से। तो सबसे पहले मानव पोषण क्या है और पोषण सही ना होने की स्थिति में हमारी क्या स्थिति होती है। आप देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं। अरे आज खांसी आ रही है तो आज कमर दर्द कर रही है भैया, आज बुखार हो गया है तो भैया बहुत कमजोरी लग रही है, भैया क्या हो रहा है, ऐसा डेली दोस्तों क्या होता है, कोई ना कोई कमी उनको लगी रहती है। तो आखिर डेली कोई ना कोई कमी जो लगी रहती है यह क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारी बॉडी के पार्ट सही ढंग से काम नहीं करते हैं, हम इस बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे आप सभी से। क्यों आखिर हम देखते हैं कि बहुत लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल दुबले पतले रहते हैं, उनका सर एकदम दोस्तों बड़ा होता है लेकिन बॉडी बिल्कुल उनकी एकदम दुबली पतली रहती है, बिल्कुल ऐसे। और साथियों हम देख पाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखो सर तो इतना ही बड़ा दोस्तों रहता है लेकिन जो उनका पेट होता भाई ना वो बड़ा भयंकर दोस्तों होता है, देखो ऐसा होता है। तो अब बताओ आखिर कौन कुपोषित है, कौन कुपोषित है, क्या ये कुपोषित है या ये कुपोषित? दोस्तों बताओ, बताओ दोनों में से कौन कुपोषित है, क्या ये मोटा आदमी कुपोषित है या फिर ये पतला आदमी? तो हम कहेंगे भाई दोनों के अंदर क्या है, दोनों में कुपोषण है, दोनों कुपोषित हैं। अगर देखा जाए तो ये खा खा करके मर रहा है और ये बिना खाए मर रहा है, दोनों हमेशा बीमार रहेंगे, दोनों हमेशा बीमार रहेंगे और दोनों के शरीर में कोई ना कोई कमी हमेशा रहती है। तो आखिर साथियों पोषण किसे कहेंगे, आहार क्या होगा और पोषण के प्रकार क्या क्या, आइए हम बिना रुके इस टॉपिक पर पहले बात कर लेते हैं। तो मानव पोषण, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन तो क्या है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, आइए हम इस विषय पर संपूर्ण बातचीत आप सभी से करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं दोस्तों, कहते हैं कि हम लोग 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे जब हम सोकर के उठते हैं तब भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ फंक्शन करती रहती है। जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में
कुछ न कुछ फंक्शन होते रहते हैं। जैसे कि कभी भी हमारा ब्रेन नहीं रुकता है, कभी भी हमारे हृदय का फंक्शन नहीं रुकता है, कभी भी हमारे लंग्स, हमारी किडनी या हमारे जो लीवर है दोस्तों, ये कभी रुकता नहीं, 24 आवर काम करते रहते हैं। कभी आपका मस्तिष्क नहीं कहेगा दिल से कि दिल तुम धड़कना बंद करो और अभी मैं किसी को याद कर रहा हूं। कभी आपका हृदय नहीं बोलता, कभी आपका हार्ट नहीं कहेगा आपके फेफड़ों से कि फेफड़े तुम सांस लेना बंद करो, अभी मैं किसी के लिए धड़क रहा हूं। कभी फेफड़े आपके नहीं बोलेंगे आपके लीवर से कि लीवर तुम यूरिया को निकालना बंद करो और अभी मैं सांस ले रहा हूं। कभी आपका लीवर नहीं बोलता किडनी से कि तुम ब्लड को फिल्टर मत करो, अभी मैं यूरिया निकाल रहा हूं। ये सारे अंग एक साथ काम करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और जब हम जगते हैं उसके बाद तो चलना फिरना, उठना दौड़ना, खाना पीना, नहाना, तमाम कार्य होते रहते हैं। तो हमारी बॉडी 24 घंटे कार्य करती रहती है, और इस कार्य के दौरान हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नष्ट होती है, कुछ अंग क्षतिग्रस्त होते हैं, मतलब टूट फूट अंगों में होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, कहते हैं कि मानव के शरीर में, हमारे शरीर के अंदर संपन्न होने वाली सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस, सभी बायोलॉजिकल एक्शंस को सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए, अंगों के मेंटेनेंस के लिए, नए अंगों के निर्माण के लिए फूड इंटेक क्या होता है, यही हमारा पोषण होता है। समझो, आप लोग कहेंगे शरीर में संपन्न होने वाली सभी जैविक क्रियाओं, कहेंगे शरीर में संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए, को सुचारू रूप से, मतलब रेगुलर रूप से संचालित करने के लिए नए अंगों के निर्माण के लिए क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के लिए मतलब मेंटेनेंस के लिए खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण पोषण कहलाता है। जिन खाद्य पदार्थों का हम अधिग्रहण करते हैं, उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे भारत में
इस पोषक पदार्थों को कुल कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो कुल 6 प्रकार के पोषक पदार्थ बनाए गए हैं। 6 प्रकार की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे साथियों अगर हम बात करें यहां पर प्रकार की, तो जब आप इसमें प्रकार की बात करोगे, टाइप की बात करोगे, तो देखिए अलग अलग पोषक पदार्थ है, उनका अलग अलग कार्य है। जैसे साथियों कुछ क्या होंगे, कुछ हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न करवाते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऊर्जा उत्पादक, मतलब एनर्जी के सोर्सेस होते हैं दोस्तों। अब देखो इसमें कुछ होते हैं जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं वृद्धि नियंत्रक, मतलब ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। साथियों कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, तो इनको हम कहते हैं उपापचयी नियंत्रक। तो 3 प्रकार के पोषक पदार्थों की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, यहां जो ऊर्जा उत्पादक है, यहां पर आप देख पाओगे 2 चीजें। पहली है कार्ब, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, और साथियों अगली होती है वसा, जिसको हम कहते हैं फैट। तो दोस्तों 2 प्रकार की यहां पर नीड होती है हमको एनर्जी के लिए। दोस्तों इसके बाद देखिए ग्रोथ के लिए होता है प्रोटीन, दोस्तों प्रोटीन होता है, और अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन होता है इसमें, और जल होगा, और इसमें होता है खनिज। तो 3 प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता हमको होती है, ऊर्जा उत्पादक, वृद्धि नियंत्रक और उपापचय नियंत्र। एक बार फिर से, उपापचय हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं में या तो कोई पदार्थ बन रहा है या पदार्थ कोई नष्ट हो रहा है, तो साथियों इन सभी क्रियाओं को मिला करके हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अब देखो इसके बाद यहां पर ये जो 6 प्रकार के पोषक पदार्थ आपने देखे हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर, आखिर इन सबका हमारी बॉडी में क्या रेशियो है, क्या परसेंटाइल है, एक बार हम इसके बारे में साथियों बात कर लेते हैं आप सभी से। तो सभी लोग ध्यान से देखें यहां पर, जैसे कि अगर आप सभी से मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का संगठन, तो कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, साथियों हमारी बॉडी में क्या कितना कितने परसेंट होता है, और हम इसका, इस पर हम लोग आइए बातचीत करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि वाटर का परसेंटाइल बॉडी में कितना होता है, तो आप बताओ कितना बोलेंगे साथियों, हमारी बॉडी में कितना वाटर है दोस्तों, हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन का अमाउंट होता है, या फिर हमारी बॉडी में कितनी फैट होती है साथियों, कितनी फैट होती है दोस्तों, या फिर हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कितनी, कितना वाटर है, कितनी प्रोटीन, कितना फैट है, और साथियों कितना हमारी बॉडी के अंदर कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो यह कितना हमारी बॉडी के अंदर होता है दोस्तों, कितना होता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर। और दोस्तों इसके बाद देखिए आगे दोस्तों, आगे आखिर हमारी बॉडी में कितना विटामिन और कितना मिनरल की आवश्यकता होगी दोस्तों, विटामिन एंड मिनरल, इसकी यह जो है कितना हमारी बॉडी में इसका परसेंटेज होता है। तो देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, और देखो सभी लोग, तो हमारी बॉडी में कुल लगभग 60-65% वाटर होता है, मेल और फीमेल की बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्रोटीन, तो 14-17% हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है। अगर दोस्तों फैट देखा जाए तो 12% के अराउंड फैट होता है, इससे कम फैट नहीं हो सकता, फैट का अमाउंट इससे कम नहीं हो पाएगा, जितना भी रहेगा 12% ही रहेगा। कार्ब ओनली 1%, ये केवल दोस्तों 1% रहता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि डेली ये बर्न होता है, क्योंकि हमारा फ्यूल यही है ना, तो डेली ये नष्ट होता रहता है, इससे हमको एनर्जी मिलती रहती है। मिनरल एंड दोस्तों यहां पर विटामिन, तो ये 7% होती है। तो ये हमारी बॉडी का कंपोजिशन होता है कि हमारी बॉडी में साथियों क्या क्या होगा दोस्तों, क्या क्या हमारी बॉडी में होता है। अब देखिए, अब हम इसी पर बातचीत कर लेते हैं कि इनमें से
साथियों, इनमें से हमको डेली एनर्जी कौन देता है? सोर्स ऑफ डेली एनर्जी, दोस्त कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब पर डे साथियों कितनी ऊर्जा हमको मिलती है। जो ये सोर्सेज आप देख रहे हैं, आखिर ये हमारी बॉडी में रह करके कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो यहां पर जैसे दोस्तों एक होता है कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये पर डे की ऊर्जा का पर डे जितनी हमको दोस्तों ऊर्जा मिलती कितना परसेंट देता है। इसके अलावा आगे दोस्तों फैट है या हाँ फैट, तो फैट पर डे की ऊर्जा का कितना परसेंट स्रोत है, और आगे है प्रोटीन, यह जो है डेली की एनर्जी का कितना परसेंट सोर्स होता है। तो यहां हम इस पर बातचीत करेंगे। यहां दोस्तों अगर बातचीत करी जाए ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है डेली की एनर्जी का, ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह जो है 60-65%। भाई कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? चावल, रोटी, मक्का, दूध, अनाज। तो जरा सोचो हमारी डेली के भोजन में क्या अधिक होता है। जो डेली हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारे डेली के फूड में मैक्सिमम क्या होता है भाई? अगर आप देखेंगे दोस्तों अपनी थाली को, दोस्तों यहां अगर देखेंगे आप, तो यहां दोस्तों आपकी थाली में क्या होगा? आप दोस्तों यहां पर देख पाओगे कि आपकी थाली में जो अधिकतम होता है वह चावल और रोटी ही साथियों होगा। तो आप अगर अपनी इस थाली को ध्यान से देखेंगे तो थाली में चावल और रोटी साथियों भर भर करके होता है। तो देखो ध्यान से, चावल दोस्तों, रोटी देखिए, दही है, तो साथियों इसमें क्या है? इसमें मैक्सिमम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट हम पर डे क्यों खाते हैं? क्योंकि पर डे हमको कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। अभी आप देख लो, पापड़ है, रोटियां है, चावल है, दही है, ये सभी दोस्तों क्या है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आगे दोस्तों मिठाई भी, ये भी क्या है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आप कोई भी थाली खाइए जो इंडियन हो, तो यहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट भर भर के मिलता है दोस्तों, भर भर के मिलता है कार्बोहाइड्रेट। देखो रोटियां, कचौड़ी, सब्जियां दोस्तों, ये सब क्या है? ये सभी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब देखिए, क्योंकि हमको कार्बोहाइड्रेट से रोज जो हम काम करते हैं, इस काम को करने के लिए जो हमको एनर्जी की नीड होती है, तो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना। अगर आप कार्ब कम खाएंगे ना, एकदम पतले हो जाएंगे। इसके बाद फैट, साथ जो फैट होती है ना, लगभग 25-30% जो एनर्जी हमको पर डे मिल रही है उसका सोर्स क्या है? वसाएं होती हैं, फैट होती है। इसके बाद प्रोटीन से बहुत कम एनर्जी, 5-10% ऊर्जा ही हम प्राप्त कर पाते हैं दोस्तों। किससे दोस्तों? ये हम लेते हैं प्रोटीन से, 5-10% ऊर्जा दोस्तों हम प्रोटीन से प्राप्त कर पाते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डे जो हमको मिल रही है साथियों, कहां कहां से मिल रही है। अब इसके बाद देखो, अगर डेली हमको इनसे ऊर्जा मिल रही है, तो आखिर इन सबका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? मतलब अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे हमको कितनी कैलोरी हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है? अगर 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, और अगर 1 ग्राम दोस्तों प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो यहां देखेंगे हम सभी लोग, फर्स्ट कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके न्यूट्रिएंट्स। तो सभी न्यूट्रिएंट्स की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, ओके तो ध्यान से आप देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ, 1 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 ग्राम्स ऑफ फैट, 1 ग्राम वसा खाएंगे तो कितनी हमको ऊर्जा मिलेगी दोस्तों? आगे बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो बताओ हमको इससे कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों आप ध्यान से सब लोग सुनना अच्छे से, यहां देखिए
अगर हम सभी लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो इससे कुल मिलती है 4.2 कैलोरी एनर्जी, बट आफ्टर डाइजेशन पाचन क्रिया के बाद शुद्ध रूप से केवल 4 कैलोरी मिलती है, क्योंकि पाचन क्रिया में भी ऊर्जा नष्ट होती है, बात ध्यान देना। साथ ही वसा से मिलती है 9.3 कैलोरी एनर्जी, लेकिन आफ्टर डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया के बाद केवल 9 कैलोरी एनर्जी ही मिलती है, क्योंकि 0.3 कैलोरी ये पाचन क्रिया में नष्ट होती है। दोस्तों आगे है प्रोटीन, तो साथियों प्रोटीन से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। किससे? प्रोटीन से मिलती है। तो दोस्तों प्रोटीन से 4.1 कैलोरी एनर्जी ही मिलती है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी दोस्तों क्या है, कैसे है, कहाँ पर है और कितना है, ये दोस्तों आपने देख लिया है, ठीक है ना। पाचन क्रिया के बाद कार्ब से केवल 4 कैलोरी, तो यहाँ से केवल 9 कैलोरी, तो यहाँ से केवल 4 कैलोरी, देखो ये। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। लेकिन यहाँ दोस्तों वसा क्या है? वसा से हमको, फैट से हमको तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती है। अब ये कहो कि अगर आपको ऊर्जा प्राप्त करनी है तो 250 ग्राम घी एक साथ खा लो और तुरंत बन जाओ शक्तिमान, तो ऐसा नहीं है। अगर 250 ग्राम घी खा लोगे एक बार ना तो शक्तिमान तो बन जाओगे, लेकिन भाग भाग के बाथरूम में जाओगे और बाथरूम में से फिर बिस्तर पे आओगे, बस ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका पेट खराब हो जाएगा। यहां दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कार्यानुसार कैलोरी की डिमांड क्या होती है, मतलब जितना हम फंक्शन करेंगे, जितना हम कार्य करेंगे, उस कार्य के अनुसार हमारी बॉडी को कितना कैलोरी की नीड होती है। अगर हम इस पर आप सभी से बातचीत करें तो मेरी बात को ध्यान से आप सुनिए। देखिए तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो एकदम कोई काम नहीं करते, बस खाली घूमते रहते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी आप लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं ना, तो कोई काम नहीं, मस्त टहलते रहो, घूमते रहो, है ना। तो साथ ही सोचिए आप लोग अभी क्या कोई काम नहीं करते, मतलब बैठ के काम करना। दोस्तों एक होते हैं जो सामान्य काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा टफ होता है उनका वर्क, और एक ऐसे लोग जो कठिन काम करते हैं। देखो हम लोग फर्स्ट में आते हैं, बैठ कर काम करना, ओके। देखो जो व्यक्ति बैठकर काम करता है उस व्यक्ति को थोड़ा सा कम कैलोरी चाहिए पर डे। तो बैठकर कार्य करने वाली महिला को 2100 कैलोरी और बैठकर काम करने वाले पुरुष को 2500 कैलोरी, ये तय है मानक। इसके बाद सिंपल फंक्शन जो सामान्य कार्य होता है, बहुत टफ नहीं होता है, सामान्य कार्य करने वाली महिला को 2500 कैलोरी और पुरुष को 3000 कैलोरी। इसके बाद कठिन काम जैसे जो किसान है, एथलीट वगैरह होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो हमेशा काम करते रहते हैं, तो कठिन कार्य करने वालों को 3000 कैलोरी महिलाओं को और पुरुषों को 3600 कैलोरी, यह मानक बनाया गया दोस्तों। यह मानक बनाया गया है पुरुषों और महिलाओं के लिए, इतना कैलोरी उनको चाहिए पर डे। उसके बाद देखो संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डेली हम लोग को क्या खाना चाहिए। हम जानते हैं दोस्तों हमारे इंडिया में लगभग 60% ऐसी आबादी है जो संतुलित आहार से वंचित है, 60%। तो संतुलित आहार का मतलब आखिर क्या है? देखो संतुलित आहार का मतलब यह है कि जो भी हम खा रहे हैं उसकी मात्रा हमारे शरीर के वजन, आयु, लंबाई, मेटाबॉलिज्म, एज, मतलब इन सब के आधार पर डिपेंड करती हो। अब ये नहीं कि अभी आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, अब खाएंगे 12 रोटी तो ये सही नहीं है। अब मान लीजिए आपकी उम्र हो गई है 52 साल और अभी भी आप खा रहे हैं 15 रोटी, तो सही नहीं है। हमारी उम्र के आधार पर, साथ बीएमआई के आधार पर हम लोग भोजन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देखते दोस्तों अनाज, जो अनाज है हमें पर डे कितना अनाज खाना चाहिए, तो 400 ग्राम से 500 ग्राम से अधिक अनाज हमको खाने की आवश्यकता नहीं है, इतना हमारे लिए काफी है। तो 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम दोस्तों हम अनाज खाएंगे। इसके बाद दाल, दाल दोस्तों 80 ग्राम देखो दाल चाहे आप अरहर की खाइए, चने की खाइए, मूंग खाइए, मसूर खाइए,
तो दाल की मात्रा 80 ग्राम होनी चाहिए पर डे आपके भोजन में। अब जरा सोचो क्या 80 ग्राम दाल आप खाते हो सुबह शाम मिला करके? मुश्किल है भाई, 100 ग्राम में 5 लोग खा लेते हैं, 100 ग्राम दाल में 5 लोग खा लेते हैं, लेकिन आपको 80 ग्राम दाल खानी है। इसके बाद पत्तेदार सब्जियां, इसका बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। ओके दोस्तों, अब कहेंगे जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं लगभग 100 ग्राम, इसमें चौलाई है, बथुआ है, पालक है, पत्ता गोभी है, मूली है, सरसों है, इन सब की पत्तियों को आप खा सकते हैं। तो पत्तेदार सब्जियां आपको पर डे खानी है, कम से कम किसी भी अवस्था में ये खानी है 100 ग्राम। और जड़ वाली सब्जियां, मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, लगभग आपको खाना दोस्त कितना, ये खाएंगे आप 75 ग्राम। 75 ग्राम खाएंगे आप कंद वाली सब्जियां, जैसे कि आलू हो गया, बंडा हो गया, साथियों आपका जो है सूरन हो गया, इन सब खाएंगे आप, ठीक है ना। और इतना ही खाएंगे फल वाली, जैसे बैंगन दोस्तों, इसको हम यहां पर ऐड कर सकते हैं अलग, तो अलग रहेगा, अलग से ये अलग से रहेगा फल वाली दोस्तों, ये वाला है ना, कितना 75 ग्राम। जैसे कि टमाटर खाएंगे, मिर्च खाएंगे, बैंगन खाएंगे, पत्ता फूल गोभी खाएंगे, तो इनको हम कहते हैं फल वाले। आप जो है गोभी खाएंगे, आप लौकी खाएंगे, आप कद्दू खाएंगे, आप तो इनको हम कहते हैं फल वाली सब्जियां। ये भी आपको 75 ग्राम ऐड करनी ही करनी है, कुल लगभग 350-300 ग्राम सब्जी खानी है आपको। इसके बाद देखिए आगे फल, साथियों कितना फल खाएं, कम से कम न्यूनतम 30 ग्राम फल खाना है। दूध लगभग 250 ग्राम पर डे पीना है। वसा 60 ग्राम दोस्तों पर डे। चीनी 30 ग्राम, तो चीनी हमको 30 ग्राम पर डे इस्तेमाल करनी है। तो साथियों ये हमारा संपूर्ण आहार है, हमको किसी भी अवस्था में इसको खाना ही खाना है। अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और टॉपिक पर दोस्तों डिस्कशन शुरू कर देते हैं। जब हम अपने टॉपिक के दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहां देखिए हम सबसे पहले पाएंगे ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। जब हम ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ से बात करेंगे तो सबसे पहले साथियों क्या आएगा, साथियों सबसे फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर बातचीत करी जाए तो टॉपिक देखिए मैंने आपके लिए लिख के दोस्तों रखा हुआ है यहां पर। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा भाई परिश्रम किया गया है आपके लिए अलग से, है ना, तो इसको ध्यान से आप देखें कार्बोहाइड्रेट आखिर क्या है, साथ ही इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार का ये होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहली बात, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका निर्माण बहुत सारी शर्कराओं से होता है, जिनको हम कहते हैं सैकराइड। साथियों जिनको हम कहते हैं सैकराइड, तो सैकराइड के मिलने से, सैकराइड का शाब्दिक अर्थ है शर्करा, और जिसको हम कहते हैं मिठास, तो जहां पर भी मिठास होती है वहां पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, जहां पर भी मिठास है वहां कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। मिठास का मतलब जिन खाद्य पदार्थों में मिठास होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, कहा जाता है कि ये सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, अर्थात दोस्तों क्या है, ये ऊर्जा उत्पादक पोषण है, पोषक पदार्थ है, यानी इससे हमको ऊर्जा मिलती है। और हमने पढ़ लिया है कि रोज की ऊर्जा का 60-65% भाग हम इसी से प्राप्त करते हैं, और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4.2 कैलोरी एनर्जी हम प्राप्त कर लेंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि ये तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। आखिर ये कैसे, किस प्रकार ये तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। आप जरा समझिए, जब भी आपके घर पर आपके मामा, मौसा, फूफा, कोई रिलेटिव आता है, या आपके घर का कोई मेंबर जब बाहर से थक करके आता है, तो घर में मम्मी होती हैं, मम्मी उनको
मिठाई खिला करके पानी पिलाती हैं। अब चाहे बिस्किट हो, मिठाई हो, गुड़ हो, कुछ भी हो, तो खिला करके पानी पिलाती हैं। आखिर बताओ ये कॉन्सेप्ट क्यों है? क्यों जब कोई व्यक्ति बाहर, दोस्तों बाहर से आता है, तो उसको मिठाई खिला करके पानी पिलाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसका कोई जवाब आपके पास है? क्या इसका कोई भी आपके पास आंसर है? हां, क्योंकि मिठास में शर्कराएं होती हैं और शर्करा बनती है दोस्तों सैकेराइड से। सैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या था? तो सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत ऊर्जा का स्रोत। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो उसको मिठाई खिला करके पानी पिलाते हैं। दोस्तों आगे बोलेंगे इसका स्रोत क्या है। मक्का, चावल, आलू। मक्का मतलब मेज, चावल ठीक है, आलू, शहद, हनी, गुड़, चुकंदर, गन्ना, मीठे फल, पेड़ पौधे, और कहेंगे भूमिगत सब्जियां। भूमिगत, भूमिगत सब्जी, अंडरग्राउंडेड वेजिटेबल, ठीक है। और तो ये सब इसके स्रोत होते हैं। क्या क्या? मक्का है, चावल है, आलू है, शहद है, गुड़ है, चुकंदर है, मीठे फल हैं, और दूध। दोस्तों दूध भी इसका अच्छा स्रोत होता है, दूध भी इसका सोर्स होता है। आगे, अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कार्बोहाइड्रेट वो कम ग्रहण कर रहा है, तो जैसे अगर मान ले पर डे हमको लगभग 350 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम इतना दैनिक हमको आवश्यकता इसकी होती है, यानी पर डे हमको इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति रोज की आवश्यक मात्रा से कम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहा है तो उस व्यक्ति में क्या समस्या हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता से कम कार्ब ले रहा है तो वह उसके अंदर ऊर्जा कम से कम बनेगी, क्योंकि यही ऊर्जा उत्पादक पोषण दोस्तों। तो वो कमजोर हो जाएगा, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, वो सुस्त रहेगा और उसका शरीर दुबला पतला रहेगा। और अगर ये बढ़ जाए तो इसकी अधिकता से मोटापा दोस्तों क्या होता है? मोटापा होता है और डायबिटीज होती है। भाई जाहिर सी बात है, जब कार्ब बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, तो साथियों क्या इससे जो है मधुमेह की समस्या हो जाती है। अब कितने प्रकार का दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट आखिर कितने प्रकार का होता है, हमें इस बारे में दोस्तों बातचीत करनी है। देखिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट है इन सभी को हमने डिवाइड किया हुआ है दोस्तों कितने भागों में? तीन भागों में। पहला मोनोसेकेराइड, उसके बाद डाइसेकेराइड, और उसके बाद पॉलीसेकेराइड। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, नोट करते रहना। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो आपका मोनोसेकेराइड होता है C6H12O6, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। दोस्तों क्या है इसका रासायनिक सूत्र है? ये केवल मोनोसेकेराइड में ये रेशियो 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है। बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट में यह रेशियो मेंटेन नहीं रह पाता है। अब यहां जो मोनोसेकेराइड दोस्तों अगर आप आगे देखेंगे तो C12 है यहां पर और O11 है, तो यहां देखो डिफरेंट आ गया है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 हमेशा रहते हैं। तो कहेंगे दोस्तों यहां पर जो मोनोसेकेराइड है इसमें फर्स्ट देखो क्या होता है मोनोसेकेराइड। तो मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब है सिंगल, यानी वह कार्बोहाइड्रेट जो सेकेराइड्स की, जो शर्करा के, जो मिठास के केवल एक अणु से मिलकर के बनता है उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। जैसे जैसे पहला यहां पर क्या दोस्तों, यहां पहला है ग्लूकोज। देखो भैया ग्लूकोज क्या है? इस ग्लूकोज को हम कहते हैं सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, लिखते रहना। इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, इसको हम कहते हैं तुरंत ऊर्जा का स्रोत। साथ ही साथ इसी को हम कहते हैं कोशिकी ईंधन।
दोस्त क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्युलर फ्यूल। दोस्तों क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, साथियों खाने से क्या मिलता है दोस्तों, हमको मिलता है ग्लूकोज C6H12O6। और जब दोस्तों हम जब सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन, दोस्तों क्या होता है, यहां पर मिलता है हमको ऑक्सीजन 6O2। देखो अब ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, जिससे दोस्तों क्या बनता है, जिससे बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहां पर बनती है एडनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में ऊर्जा, और यही दोस्तों ऊर्जा बन रही है एटीपी को हम कहते हैं उपापचयी जगत का सिक्का, कॉइन ऑफ मेटाबॉलिक किंगडम। किसको दोस्तों, एटीपी को, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब टीवी कैमरा लैपटॉप एलसीडी सब चल रहा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, उसी प्रकार जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है वैसे हमारी बॉडी के अंगों के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये नहीं बनेगा तो बॉडी का कोई अंग सही से काम नहीं करेगा दोस्तों। तो देखिए इसी ग्लूकोज से हमारा ईंधन बनता है दोस्तों, हमारा फ्यूल बनता है, मतलब हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ग्लूकोज को हम कहते हैं कोशिकी ईंधन दोस्तों, इसको हम कहते हैं सेलुलर फ्यूल। इस ग्लूकोज को हम कहते हैं ब्लड शुगर, क्योंकि हमारे ब्लड में इस यही पहुंचता है और कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में नहीं पहुंचता है। साथियों ग्लूकोज आप जानते हैं दोस्तों, जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो खाली पेट लगभग दोस्तों 80 मिलीग्राम, लगभग साथियों 80 मिलीग्राम होता है पर 100 dl ऑफ ब्लड। दोस्तों भोजन करने के बाद कितना होता है, दोस्तों ये होता है 120 to 140 मिलीग्राम पर 100 dl ऑफ ब्लड, साथियों ऐसा होता है, ठीक है ना। और यही अंगूर में होता है तो ग्लूकोज को हम कहते हैं ग्रेप शुगर। ग्लूकोज मक्के में होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्न शुगर। साथियों अगला देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज क्या है, इसको हम कहेंगे फ्रूट शुगर। साथियों इसको हम कहते हैं फ्रूट शुगर, जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज दोस्तों है इसको हम बोलते हैं फ्रूट शुगर, क्योंकि यह फलों में मिठास का कारण है, शहद में मिठास का कारण है, तो शहद और फल फ्रक्टोज से ही मीठे होते हैं और यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है, इसको हम कहते हैं लिवुलोज शुगर। और इसी का इस्तेमाल सिरप में होता है, चॉकलेट में होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल दोस्त कहां होता है, या जो है आर्टिफिशियल फ्रूट जूस में होता है। ओके अब देखिए आगे नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होती है गैलेक्टोज। यह एक ऐसी शुगर है दोस्तों, एक ऐसी कार्ब होती है जो केवल एनिमल्स के अंदर होती है और यह दूध के विघटन से बनती दोस्तों। गैलेक्टोज इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, बट यह हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारी वेंस और आर्टरीज हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, गैलेक्टोज। आगे नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां पर नेक्स्ट है डाइसेक्राइड। नाम का डाई मीन्स दो, यानी यह ऐसी सेक्राइड है जो ऐसी कार्ब्स है जो कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है दोस्तों। फर्स्ट क्या इसमें, साथियों फर्स्ट होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज में दो कार्ब्स कौन कौन सी हैं दोस्तों, इसमें एक होता है ग्लूकोज, एक इसमें रहेगा ग्लूकोज प्लस एक होता है गैलेक्टोज। और आप जानते होंगे साथियों दूध में मिठास का जो कारण है वह लैक्टोज होती है, तो दूध मीठा दोस्तों क्यों होता है, लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है सुक्रोज दोस्तों है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यह बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। साथियों सुक्रोज कहां रहता है, तो यह रहता दोस्तों, यह रहता है शुगर केन में, गन्ने में और चुकंदर में। साथियों इसी से चीनी बनती है, इसी से डोमेस्टिक शुगर बनती है, तो इसको हम नाम देते हैं टेबल शुगर, इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक शुगर, और इसी से अल्कोहल भी बनता है, यह भी दोस्तों ध्यान देना, और इसी से सिरका भी बनता है। नंबर थर्ड आपका आता है माल्टोज। साथियों इसको हम कहते हैं माल्ट शुगर, जो माल्टोज होती है इसको हम कहते हैं माल्ट शुगर दोस्तों। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह माल्टोज
अनाजों में होती है, ग्लूकोज के दो अणुओं से, ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर की यह बनी हुई होती है दोस्तों, है ना। तो इसको हम कहते हैं माल्ट शुगर, और माल्ट से ही, माल्टोस से ही वाइन बनती है, ये बातें आप ध्यान देना। माल्टोस उसका बनता, वाइन बनता है, ये चीजें आपके संज्ञान में होनी चाहिए। ये अनाजों में, अभी हम अनाज खाएंगे, गेहूं है, चावल खाते हैं, तो एक समय बाद इसमें मिठास आ जाती है। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट क्या है, पॉलीसेकेराइड। अगर हम आप सभी से बात करें पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो पॉली मतलब होता है अनेक, तो ये ऐसी सेकेराइड होती है जो शर्करा के अनेकों अणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां साथियों फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहां फर्स्ट होता है सेल्यूलोज। अगर हम इसकी बात करें ना, तो हमारे नेचर में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई कार्ब्स है तो वह होता है आपका सेल्यूलोज। इसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। जो हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं उसका जो इकाई भाग होता है वह होता है सेल्यूलोज। प्लांट्स की या फिर प्लांट्स की और एल्गी की जो सेल वॉल होती है वहां होता है सेल्यूलोज। ध्यान रखना, ये बेसिकली पत्तियों में होता है, पौधे के तने में होता है। सबसे बड़ा मामला ये है कि हम लोग हमारी बॉडीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब हमारी बॉडीज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जब हम लोग केवल वेजिटेरियन थे तो हमारी बॉडी के अंदर एक वर्मी फार्म अपेंडिस है, अपेंडिस से आप जानते हैं इसको डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम निकल रहा था, उसका नाम था सेलुलेज एंजाइम। लेकिन जब से हम लोग सर्वाहारी हुए तब से वहां से एंजाइम सीक्रेट होना बंद हो गया, और यह जो अपेंडिस था अवशेषी अंग बन गया, और हमारी बॉडी के अंदर इसका पाचन रुक गया। दोस्तों इसके बाद देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च यह भी प्लांट का रिच सोर्स है, प्लांट में अधिक मात्रा में होता है स्टार्च, और स्टार्च का पाचन सबसे पहले हमारी सेलाइबा में प्रेजेंस जो टाइलिन एंजाइम है वो करता है। स्टार्च पेड़ पौधों की पत्तियों में संचित रहता है, और ये प्लांट का रिजर्व फूड है, ये प्लांट का रिजर्व फूड है, इसको हम कहते हैं पौधों का संचित भोजन है। स्टार्च से ही कैप्सूल का आवरण बनता है, कैप्सूल की जो दोस्तों कोटिंग बनती है, और जो स्टार्च होता है ना, यही स्टार्च पत्तियों में है या नहीं है इसके लिए हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं, पत्तियों पर आयोडीन की डस्ट मारते हैं, जिससे कि ये पत्तियां ब्लैक एंड ब्लू कलर प्रोवाइड करती हैं। अगर ऐसा कलर निकल रहा है तो स्टार्च होता है। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट क्या दोस्तों, नेक्स्ट होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ये जंतुओं का, ये एनिमल का और फंगस का रिजर्व फूड है। इसका संचय हमारे लीवर के अंदर होता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी कम लगती है, एनर्जी हमारी बॉडी में कम होती है, तो हमारे लीवर से ये ग्लाइकोजन निकलता है, ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज बन करके हमारी सेल में जाता है और एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। साथियों ये फंक्शन किसका होता है दोस्तों, ये होता है ग्लाइकोजन का। अब देखिए इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे आगे दोस्तों सैक्रीन। सैक्रीन क्या होती, यह भी एक प्रकार की पॉलीसेक्राइड है जो बनाई गई है मधुमेह रोगियों के लिए दोस्तों। एक होती एस्पर्टम दोस्तों, यह भी क्या है, यह भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। इसका भी निर्माण दोस्तों किया गया मधुमेह रोगियों के लिए दोस्तों। यहां देखो एक होता है काइटिन। साथियों काइटिन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यह कीट पतंगों के शरीर का आवरण होता है दोस्तों। देखिए आगे साथियों हिपेरिन होती है। हिपेरिन क्या है, यह भी पॉलीसेकेराइड है। तो यह ब्लड को जमने से रोकती है। तो यहां देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दिया। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। मिलेंगे हम लोग आगे, बात करेंगे फैट और प्रोटीन और विटामिन के बारे में। थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी। जय हिंद, आई लव यू।